महादेव मंदिर अंकलेश्वर से 14 किलोमीटर और भरूच से 22 किलोमीटर दूर आया हुआ है। यह मंदिर 500 साल पुराना है। इस मंदिर की स्थापना गुलाबदास जी महाराज ने की है। संवत 1671 में चैत्र सुद पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे की गई है। पूरे भारतवर्ष में केवल दो मंदिर ऐसे हैं जहाँ हनुमान जी प्रकट विराजमान हैं। एक मंदिर अयोध्या में सरयू तट के पास हनुमान गढ़ी का है और दूसरा मंदिर केवल भरूच से 22 किलोमीटर दूर गुमान देव जी का मंदिर है। विशाल खाड़ी नाम की ये बहुत ही खूबसूरत वादियाँ है जहाँ पे लोग यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग वगैरह करने भी आते हैं। गुजरात का ये राजपीपला का एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत झरना बह रहा है और अब हम बारिश का मौसम है और ये गुजरात का बहुत ही खूबसूरत माहौल है। झरना नीलम भाई है, नीलम भाई पटेल पूरा क्या है स्पेशल, हाँ वो बहुत बड़े अच्छे डिज़ाइनर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ओर जाने वाला रास्ता है, उसके बीच में ये झरना दिख रहा है। देख सकते हैं ऊपर से पहाड़ियों से मतलब कि आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इतना खूबसूरत नज़ारा और कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। रोड से हम लोग केवड़िया कॉलोनी यानी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ओर बढ़ रहे हैं और बीच में उस दरमियान ये बारिश का मौसम है, बहुत सुहाना मौसम है। आप देख सकते हैं कुदरत का नज़ारा ऊपर से बहते हुए झरने वहाँ पर आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पानी है, बहुत ही ठंडा पानी है, मज़ेदार है और ये हमारी टाइगर की टीम है। अब आप देख सकते हैं झरने से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और अब हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का शिल्प आर्टिस्ट राम वी सुथार ने बनाया है। यह मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सातपुड़ा और विंध्याचल के बीचों बीच 17 किलोमीटर लंबी फूलों के उपवन में स्थित है। अभी मैं खड़ा हूँ सरदार सरोवर नर्मदा डैम जो है, बहुत भारत में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा डैम है ये। पहले नंबर का भाखड़ा नांगल पंजाब का, दूसरे नंबर का हिमाचल प्रदेश में है और ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा डैम है भारत का। भारत के प्रधानमंत्री की परिकल्पनाओं को केवल 40 दिन में साकार किया गया है। ये हमारी फाइन आर्ट्स की टीम है।
यह मूर्ति बनाने के लिए भारत के सभी जिलों से लोहा मंगाया गया है। स्टेचू के ऊपर तक 150 मीटर तक हम लोग जाकर आए और बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी मज़ा आया। ये हमारे मित्र वर्ग है और अब हम यहाँ से आखिरी विदाई लेने की तैयारी कर रहे हैं। शाम के 5 या 5:30 बज गए और अब हम घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आप सब भी एक बार यहाँ पे मुलाकात जरूर लीजिए।